नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब आप सभी लोगों को, पहाड़ी भाई पहाड़ी लोगों को पैलाग। आज हम जा रहे हैं ढह में और मौसम कितना सुहाना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई चौमास कहते हैं इसको, चौमास आ चुका है। और यहाँ देखो घास काटने वाले, देखो यहाँ ये मौसम मस्त हो रहा है और घास काटने वाले, देखो घास काटने वाले घास भी काटने, देखो। और ये सुबह सुबह ना तो इन्होंने रोटी खाई और ना कुछ नहीं किया, ये देखो सुबह सुबह घास खा रहे हैं। बना दिया होगा पंडित जी ने, हाँ तुमने खा लिया होगा, उनकी बात नहीं। तो तुम टाइम पर उठ गए, टाइम पर उठ गए। ये देखिए, शायद आप इसे जानते होंगे कि ये कौन सा पौधा है, और कई लोगों ने, जब पुराने लोग होंगे उन्होंने खाया भी होगा। ये देखिए, अब मैं इसको एक ज़रा तोड़ के दिखाऊंगा। ये देखिए, वाह, इसको बोलते हैं बेड़ू अंजीर। और देखिए कितने रोगों को काटता है, और पुराने ज़माने के लोग इस पत्तियों की सब्जियां भी खाया करते थे। ऐसे ऐसे भी दिन देखे उन्होंने कि वो इस बेड़ू की पत्तियां, ये वाली पत्तियां चुन चुन के इनकी सब्जियां खाया करते थे। ये देखिए, मैं इसको खा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं बेड़ू। इसके ऊपर एक गाना भी है जो आप, फेमस गाना है उत्तराखंड का, बेड़ू पाको बारहमासा। तो ये बेड़ू है, और ये देखिए, वाह मूंग, ये है बम्बई किला काम। तो फाइनली गाइज, हरी घास तो तैयार हो चुकी है, घास का गट्ठर अभी लग रहा है, और थोड़ा पिरुल भी ले जाएंगे क्योंकि अब बरसात का मौसम आ चुका है, धुआं लगाना पड़ता है तो मोर मच्छर जो है सब आ जाते हैं, तो उसके लिए धुआं लगाना पड़ता है। और घास हमारी जो है पूरी हो चुकी है शाम तक के लिए, कल का प्रबंध हम और करेंगे शाम को। और मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, ऊपर से हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, और लिखा रुको जान दे राजा, मैंने धूल लगा रहा हूँ। और चलो फिर, ये देखिए